आपकी दुकान स्टोर में रखे सामान का पूरा खाता तैयार करने तक। बिग ब्लेस, हर कारोबारी की खुशियों की चाबी, खुशियों की अपनी दुकान। विदेशी बाजारों में तेजी के रुख के बीच दिल्ली बाजार में लगभग सभी तेल तिलहनों के भाव में सुधार हुआ है। मलेशिया एक्सचेंज में फिलहाल मंदी का रुख है, पर स्थानीय बाजार में भाव पहले ही उठा पटक है, इसलिए मंदी का कोई असर नहीं है। बाजार सूत्रों ने बताया कि विदेशी बाजार काफी तेजी दर्शाते हुए बंद हुए थे, जिसके अनुकूल असर तेल तिलहन कीमतों पर दिखा है और लगभग सभी तेल तिलहन में सुधार भी आया है। यूक्रेन और रूस के युद्ध के बीच विदेश में कच्चा पाम तेल के दाम $2,000 प्रति टन से ऊंचा हो गया है, जो रिकॉर्ड है। सुबह में यही भाव $2,120 था। आयात करने पर सीपीओ का भाव ₹167 किलो बैठता हुआ दिखाई दिया, जबकि पामोलियन का भाव आयात करने पर ₹177 किलो बैठता हुआ नजर आया। ऐसे में सवाल ये है कि इन महंगे दाम वाले तेलों को कौन खरीदेगा। बता दें, अर्जेंटीना और ब्राजील से सोयाबीन डिगम तेल के मार्च की निर्यात की खेप नहीं आ रही है। अप्रैल वाली निर्यात की खेप भेजी जा रही है, जो जून तक आने की संभावना है। सीपीओ का भाव सोयाबीन से लगभग $200 टन नीचे रहता है, वह सोयाबीन से लगभग $150 अधिक कर दिया गया है। अगर देश में तिलहन उत्पादन बढ़ाने की ओर ध्यान दिया गया होता तो आज देश विदेश की मर्जी पर यह निर्भर नहीं होता। आयात शुल्क घटाना बढ़ाना एक तत्कालिक उपाय हो सकता है, लेकिन कोई स्थानीय समाधान इसका अभी नहीं बन पा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, मार्केट टाइम्स टीवी। आपके ग्राहक की खुशी से आपकी दुकान पर ग्राहक को लाने तक बिग ब्लेस, हर कारोबारी की खुशियों की चाबी, खुशियों की अपनी दुकान।